हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम दी फैकल्टी ऑफ लॉ इन दी कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आया हूं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि नई सीआरपीसी का डेफिनेशन क्लॉज के ऊपर एक और वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि जो नई सीआरपीसी आई है उसके डेफिनेशन क्लॉज में क्या क्या चेंजेस हैं, कौन कौन सी नई डेफिनेशन है और उनका हमारी रियल लाइफ में इंप्लीकेशन क्या है, और हमारे दिमाग में एक नए कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की हम आज इस वीडियो लेक्चर में कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुरानी डेफिनेशन क्लॉज को एकदम रट रखा था, उनको सारी डेफिनेशंस याद थी, तो अब उनको एक टेंशन है कि नई वाली समझ में कैसे आएगी। तो इस वीडियो लेक्चर के बाद आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसको याद कैसे करना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और शुरू में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन नंबर 2 एक्चुअल में डील किसको करता है। अब इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जिसमें हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था कि बीएनएसएस यानी कि ये नई सीआरपीसी एक्चुअल में है क्या, इसके फीचर्स क्या है, इसके मेजर चेंजेस क्या, और साथ ही साथ हमने सेक्शन नंबर 1 को भी डील किया था। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 2 को खोलते ही आप हमें मिलेगा क्या, सब क्लॉज 1। सब क्लॉज 1 क्या कहता है, इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक कि इस संहिता के अंतर्गत कॉन्टेक्स्ट कुछ और बात ना कह रहा हो तब तक इसके अंदर जो डेफिनेशन क्लॉज में शब्द दिए हुए हैं उनका मतलब यही निकाला जाएगा जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, इसके बाद हमें मिलता है ए जो कि क्या है, न्यू है। ये नई डेफिनेशन है ए वाली जो कि बात करती है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के बारे में। जैसा कि हमें पता है ई कोर्ट्स की स्कीम चल रही है, कोर्ट्स अब डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को ऐड करना प्रोसीजरल कोर्ट्स में बहुत ज्यादा जरूरी था और इसीलिए काफी ज्यादा सराहना भी हो रही थी सरकार की कि उन्होंने इन चीजों को सबसे पहले ऐड किया नई सीआरपीसी में। और हमें खोलते ही डेफिनेशन क्लॉज में क्या दिखता है, नई डेफिनेशन ये इससे पहले नहीं थी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं किस बारे में बात कर रही है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन and for such other purpose and by such other means as the state government may by rules provide। आसान भाषा में समझते हैं, ये कह रहा है कि audio video electronic means का मतलब ये है कि वो कोई भी communication device। अब पहला सवाल ये उठता है कि communication device क्या होता है, तो वो नीचे दिखा दिख जाएगा आपको। any hardware that can send and receive data, कोई भी hardware जिसको आप छू सकते हो जो कि data को भेज सकता हो या ले सकता हो, जैसे कि computer, phone से call जाता भी है और phone में call आता भी है, तो ऐसे कोई भी communication device जो कि किस purpose के लिए use हो रहा है, video conferencing के लिए। video conferencing कहां इस्तेमाल होगी सर, court में, जब कभी भी judge जो है डिजिटल तरीके से हियरिंग को चला रहा है, कोई वकील दिल्ली से बैठ के बिलासपुर में वो कर रहा है, बहस कर रहा है, तो वो क्या हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर रहा है। उसके साथ ही साथ रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसेस, अब भाई वो एविडेंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस हो या कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस हो तो भी क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उस डेटा के बारे में बात हो रही है। उसके साथ ही साथ सर्च एंड सीजर के बारे में बात हो रही है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रहा है या किसी भी और पर्पस के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड से, जब कभी भी ऑडियो वीडियो मोड इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू आपको क्या किया जा रहा है, कोई भी प्रोसेस को कंप्लाई किया जा रहा है, तो वो इस डेफिनेशन के अंदर आएगा। उसके साथ ही साथ एक अलग बात क्या बोल दी, अदर मींस एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड, और भी अलग-अलग चीजों को इस डेफिनेशन के अंदर माना जा सकता है जो कि क्या है, स्टेट गवर्नमेंट आपको जो है समय-समय पे बताती चलेगी। ठीक है सर, अब ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती है, इसका एग्जांपल आपको यहां पे दिख जाएगा, जितने भी प्रकार के फोन, टेलीफोन, लैपटॉप, टैबलेट, जो भी आप अभी जिस मोड से आप देख रहे हैं मुझे, जिस मोड से हम इस वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं, रियल टाइम नहीं है फिर भी, तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। ठीक है सर, उसके बाद हम आगे आते हैं सेक्शन 2 के बी पे, ये बात करता है बेल के बारे में। बेल के बारे में हमें नॉर्मली पता है सर, बेल का मतलब होता है जमानत। हमारे YouTube चैनल पे इसका एक शॉर्ट अभी रिसेंटली अपलोड हुआ था, तो बेल का मतलब होता है जमानत। जमानत और बेल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अंडरटेकिंग। तो यहां पे इसी के बारे में बात करी गई है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं बेल का मतलब इस संहिता के हिसाब से क्या है। तो बेल का मतलब है रिलीज ऑफ पर्सन, यानी कि कभी भी किसी पर्सन को छोड़ने को हम मानेंगे बेल। लेकिन कहां से छोड़ा सर, अगर मैंने किसी को स्कूल से निकाल दिया या छोड़ दिया बाहर, या ट्रेन से बाहर हवा में छोड़ दिया, या बिल्डिंग से ऊपर छोड़ दिया, तो क्या वो बेल होगा? नहीं सर, वो बेल नहीं है। तो यहां पर क्या मतलब है, बेल का मतलब है रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ कमिशन ऑफ एन ऑफेंस। जिस पर्सन के ऊपर कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए सस्पेक्ट हो या उसने अक्यूज्ड हो कि उसने कोई ऑफेंस को कमिट किया है, कोई अपराध किया है, उस पर्सन को छोड़ा जाए तो उसको बेल कहेंगे। लेकिन डेफिनेशन अभी भी आधी है। उसके बाद क्या कह रहा है, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशंस। ये जो इंपॉर्टेंट है पार्ट, इसको आपको ध्यान रखना है, कस्टडी ऑफ लॉ। यानी कि बेल का मतलब है किसी भी पर्सन को छोड़ना किसी भी कस्टडी ऑफ लॉ से कुछ कंडीशंस लगाने के बाद, आफ्टर इंपोजिंग सर्टेन कंडीशंस बाय एन ऑफिसर और कोर्ट। इसका मतलब क्या है, बेल हमेशा कोर्ट नहीं देती, बेल कभी कोर्ट भी दे सकती है और अगर कोई पुलिस ऑफिसर चाहे तो वो भी बेल ग्रांट कर सकता है। तो यहां पे ये बात समझ में आ गई। और
ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड, यानी कि वो पर्सन कोई नॉर्मल बॉन्ड या तो फिर कोई बेल बॉन्ड अगर एग्जीक्यूट करेगा तो उस पर्सन को मान लिया जाएगा कि उस पर्सन को जमानत दी गई है, यानी कि बेल को कंप्लाई करने के लिए इन सारे प्रोसेस की जरूरत है। एक बार फटाफट दोबारा समझ लेते हैं, बेल का मतलब है कि किसी भी पर्सन को कस्टडी से निकालना जब कभी भी वो सस्पेक्टेड हो कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। वो कस्टडी किसकी होगी? लॉफुल कस्टडी होनी चाहिए कुछ कंडीशंस लगाने के बाद, और वो कंडीशन जो है कौन लगा सकता है? वो कोई ऑफिसर या कोर्ट लगा सकता है, और उस पर्सन को बॉन्ड या बेल बॉन्ड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा वहां से छूटने के लिए। ठीक है सर, बात क्लियर है हमें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो अगली डेफिनेशन आती है वो है 2C में बेलेबल ऑफेंस की। अब ये बेलेबल ऑफेंस किस बला का नाम है सर? तो बेलेबल ऑफेंस आपको पता होगा शेड्यूल 1 CRPC जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी शेड्यूल 1 है, ये बात करता है बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और व्हिच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस। अब इस बात को आप हमेशा दिमाग में बिठा के रखिए कि आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस कहां दिया है, तो वो भी 2C में ही दिया हुआ है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों एक ही डेफिनेशन के अंदर है, बच्चे आमतौर पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, इसने कोई बड़ी बात नहीं बोली, इसने केवल बोला कि आपको अगर पता करना है तो आप जाइए शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में जाते ही आपको क्या मिलेगी? एक टेबल मिलेगी, उस टेबल के अंदर कॉलम्स बने हुए हैं, उसमें आपको मिल जाएगा वहां पे लिखा हुआ कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन-कौन से ऑफेंस नॉन बेलेबल है। जहां पे बेलेबल लिखा हुआ है वो बेलेबल है, जहां नहीं लिखा हुआ है वो नॉन बेलेबल है। बस इतना सा कांसेप्ट है। अब बेलेबल और नॉन बेलेबल का हम एक और डीप में मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। बेलेबल का मतलब वो होता है जब जिस पर्सन ने कोई अपराध किया हो और अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो उस पर्सन का अधिकार होता है कि वो बेल ले सकता है, लेकिन अगर किसी पर्सन ने अपराध किया है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उस पर्सन का अधिकार नहीं होता, वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है कि वो उसको बेल देंगे कि नहीं। ठीक है सर, यही बात आपको यहां देखी मिल गई, बेलेबल प्लस नॉन बेलेबल दोनों की डेफिनेशन दी हुई है। बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, नॉन बेलेबल ऑफेंस इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आते हैं तीन डेफिनेशन जो कि छोटी-छोटी हैं, डी, ई और एफ। डी बात करता है बेल बॉन्ड के बारे में। हमने बेल समझ लिया क्या होता है, हमने बॉन्ड भी समझ लिया, लेकिन बॉन्ड को एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बेल बॉन्ड का मतलब है मींस एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। यहां पे हाईलाइट करिए विद श्योरिटी को। ये क्या कह रहा है? एक अंडरटेकिंग है। ये तो हमें पहले से पता है कि बॉन्ड का मतलब होता है एक अंडरटेकिंग। ये हमें ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब कभी भी कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है जो कि श्योरिटी के साथ है, यानी कि कोई ऐसा इंसान है जो उस बॉन्ड के साथ जिसने जिम्मेदारी ली है कि अगर इस पर्सन ने इस बॉन्ड की कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं उसके जो भी आपके रिपरकशंस होंगे उनको उठाऊंगा, यानी कि जहां कहीं भी श्योरिटी एडेड है उसको इस संहिता के अंतर्गत माना जाएगा क्या? बेल बॉन्ड। और नॉर्मल बॉन्ड किसको बोलेंगे? मींस पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। यहां पे क्या है? श्योरिटी नहीं है। ये एक पर्सनल बॉन्ड हो सकता है, यानी कि मैंने अपना इन पर्सन एक बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है, या कोई दूसरा बॉन्ड जिसमें श्योरिटी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आमतौर पे बॉन्ड। लेकिन याद रखिएगा, हमने इसका सब क्लॉज 1 में पढ़ा था, सब क्लॉज 1 सेक्शन 2 का क्या बोलता था कि जब तक की कॉन्टेक्स्ट कुछ और ना बोले तब तक मतलब यह है। आगे जब हम इस संहिता में प्रोविजंस को डीप में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कॉन्टेक्स्ट कुछ और भी कहता है, एक्सेप्शंस मिलेंगे इन कंडीशंस के, इसलिए इसको हमें केवल डेफिनेशन क्लॉज के पर्पस से याद रखना है। इसके बाद आता है शब्द चार्ज। चार्ज कहता है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज वेयर द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसको बड़े एक आम एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान के चलिए कि आपने कोई अपराध किया, मान लेते हैं आपने किया मर्डर, तो आपके ऊपर चार्ज लगा मर्डर का। लेकिन आपने मर्डर के साथ साथ अगर आपने चोरी भी कर ली वहां जाके, आप चोरी के पर्पज से गए थे वहां, आपने मर्डर कमिट कर दिया, तो आपके ऊपर चोरी और मर्डर दोनों का चार्ज लगा, तो ये क्या हो गया? चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड, एनी हेड क्या हो गया? मर्डर का। और चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन, मोर हेड्स देन वन का मतलब क्या है? जहां पे चार्ज के मल्टीपल हेड्स होंगे। मल्टीपल हेड्स का मतलब क्या है कि सर मर्डर भी हुआ, थेफ्ट भी हुआ, रॉबरी भी हुआ, या आप मान लीजिए और भी कुछ किसी और चीज को, एफरे भी कमिट हो गया। एफरे तो खैर इसमें नहीं आएगा, लेकिन ठीक है हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि जब मल्टीपल अपराध किए गए तो उसको मल्टीपल हेड्स कहा जाता है, मोर हेड्स देन वन। चार्ज का एक हेड मतलब एक अपराध का चार्ज। ठीक है सर, अब यहां पे मैंने बेल बॉन्ड का एक आपको दे दिया है एग्जाम्पल जो कि आपको हमारे फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि शेड्यूल 2 में भी नई CRPC के। ठीक है सर, अब हम आते हैं जी पे। ये क्या कह रहा है? कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन चलिए इसको भी देख के समझने की कोशिश करते हैं। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर व्हिच एन कॉग्नाइजेबल केसेस, यानी कि यहां पे डेफिनेशन किस-किस की दे दी है? कॉग्नाइजेबल केसेस और कॉग्नाइजेबल ऑफेंस दोनों के बारे में बात कर रहा है। मींस अ केस इन व्हिच अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत और अंडर एनी अदर लॉ, किसी दूसरे लॉ के अंतर्गत फॉर द टाइम बीइंग
बींग इनफोर्स, अरेस्ट विदाउट अ वारंट. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है. इंपॉर्टेंट ये क्या कह रहा है कि जब कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता हो, ऐसे किसी अपराध को कहा जाएगा क्या, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस या कॉग्नाइजेबल केस. ऑफेंस कौन सा है, वो अपराध है. और केस का मतलब क्या है, जब किसी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के ऊपर केस या प्रोसीडिंग चल रही हो तो उसको माना जाएगा कॉग्नाइजेबल केस, जब वो न्यायालय के पास चला जाता है. दोनों के दोनों केसेस में फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत यहां पे लिखा हुआ है. तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, जो टेबल मैंने आपको बताई थी जहां पे बेलेबल और नॉन बेलेबल लिखा हुआ था, उसके बगल में एक कॉलम है जिसमें आप कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल लिखा है. शेड्यूल 1 को आप चाहें तो खोल के देख सकते हैं. तो वहां पे फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से जिन जिन ऑफेंसेस के बारे में लिखा हुआ है कि वो कॉग्नाइजेबल है, उन केसेस में एक पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आगे की बातें क्या लिखी हुई है. इसके बाद आता है 2H में कंप्लेंट. कंप्लेंट का मतलब क्या है, मींस एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग. ठीक है सर, ओरली या राइटिंग में आपने कोई एलिगेशन यानी कि आरोप लगाया है टू अ मजिस्ट्रेट. अब इस बात को ध्यान रखिएगा, कंप्लेंट यहां पे केवल मजिस्ट्रेट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है. विद अ व्यू ऑफ हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट. अब यहां पे दो बातें समझने वाली हैं. ये क्या कह रहा है कि भाई आपका कंप्लेंट का मतलब क्या है, तो कंप्लेंट का मतलब है कोई आरोप या एलिगेशन जो आप मजिस्ट्रेट को ओरली या इन राइटिंग बताते हैं. क्यों बताते हैं, ताकि वो क्या करे, एक एक्शन ले. ठीक है सर, एक्शन लेगा. किस पर्सन के अगेंस्ट लेगा, जिस पर्सन को आप जानते हो या ना जानते हो, बस आपने एक आरोप लगाया. जानने वाला पर्सन कौन होगा कि आपने देखा वो चोरी करके भागा तो आप क्या गए, कंप्लेंट लेके गए, या उसने कोई बदतमीजी करी, वो तो कॉग्नाइजेबल केस हो जाएगा. और अगर आपने देखा कि हाँ मेरे साथ बदतमीजी हुई थी, मुझे घर के बाहर से कोई गालियां दे रहा था लेकिन मुझे पता नहीं वो कौन पर्सन है, तो वो अननोन पर्सन था, आप कंप्लेंट लेके गए. मजिस्ट्रेट के पास क्यों लेके गए, ताकि वो कोई एक्शन ले ले. अब यहां पे दूसरी बात क्या कह रहा है कि पुलिस रिपोर्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगी किसके ऊपर, एक कंप्लेंट यानी कि पुलिस ने जो रिपोर्ट, क्योंकि आपको पता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रिपोर्ट बनाती है वो भी जमा करती है मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट को जो पुलिस ने रिपोर्ट जमा करी उसको कंप्लेंट नहीं माना जाएगा. लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरह करेक्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशन में ही अपनी बात को उन्होंने काट दिया है. ये क्या कह रहा है, अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन केस व्हिच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर बाय होम सच रिपोर्ट इज मेड डीम्ड टू बी अ कंप्लेनेंट. अब जैसा कि हमें पता है कि कॉग्नाइजेबल केसेस में एफआईआर होती है, नॉन कॉग्नाइजेबल केसेस में एफआईआर नहीं होती है. जिनको नहीं पता तो उनको आज पता चल गया. तो आपको जैसा बता दें कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने एक इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि एक नॉन कॉग्नाइजेबल केस हुआ था यानी इसमें एफआईआर नहीं हो सकती है, तो उसने जो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट करी उसको मान लिया जाएगा कि वो कंप्लेंट है और उस पुलिस ऑफिसर को मान लिया जाएगा कि वो कंप्लेनेंट है. इस कॉन्टेक्स्ट को हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास एक और नई डेफिनेशन आई है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, यानी जैसा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक मोड को इंप्लाई किया जा रहा है. यह कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मींस द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन वर्बल पिक्टोरल इन्फॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर और फ्रॉम अ पर्सन टू अ डिवाइस और फ्रॉम अ डिवाइस टू पर्सन बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. यहां तक समझने की कोशिश करते हैं. ये हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को माना जाएगा किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन जो कि रिटन वर्बल पिक्टोरल इन्फॉर्मेशन या वीडियो कंटेंट. रिटन मतलब कि आपने मैसेज लिखा, वर्बल मतलब आपने ऑडियो टेक्स्ट सेंड किया, उसके बाद पिक्टोरल मतलब जो फोटोज भेजी और वीडियोज का मतलब जो आपने वीडियोज भेजे. अब यहां पे कैच क्या है, कैच है वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर यानी कि मैंने आपको सेंड किया तो वो माना जाएगा वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर यानी कि मेरे कंप्यूटर से मैंने क्या भेजा, आपके कंप्यूटर पे भेजा तो माना जाएगा कि वो वन डिवाइस टू अनदर है. उसके बाद क्या बोला, फ्रॉम वन पर्सन टू अ डिवाइस, मैंने क्या किया, मैंने अपने मेल से मेल डाला फ्लिपकार्ट के मेल पे, तो वहां कोई पर्सन नहीं बैठा है, वहां डिवाइस रिसीव कर रही है क्योंकि वो एआई है. तो क्या हुआ, एक पर्सन ने एक एआई सॉफ्टवेयर टूल पे भेजा तो माना जाएगा वन पर्सन टू अ डिवाइस. और अगर वो एआई सॉफ्टवेयर मुझे मेल भेजता है, जैसे जोमैटो के आपके पास बहुत मेल आते होंगे, तो माना जाएगा उस डिवाइस ने आपको एक मेल किया है. ठीक है सर, ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग अ टेलीफोन मोबाइल फोन और अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस और अ कंप्यूटर और ऑडियो वीडियो प्लेयर और एंड द कैमरा or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification by central government. मतलब act मैंने आपको समझा दिया, जब message एक person दूसरे person को भेज रहा हो, वो person खुद एक person से दूसरे person को भेजे या एक device से दूसरे device को भेजे या device person को भेजे या person उस device को भेजे, basically यही काम हो रहा है. और वो किया किसके through जाएगा, telephone, computer, laptop, जिसके भी through, जिसमें electronic medium इस्तेमाल हो रहा है. तो ये definition भी हमारी क्लियर हो गई है. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास आया जे में हाई कोर्ट. हाई कोर्ट का मतलब क्या है सर, इसमें हमें तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं जो इससे पहले भी हमने पढ़े थे. इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट. अब भाई छत्तीसगढ़ जो हमारा स्टेट है इसका कौन सा है, इसका है बिलासपुर हाई कोर्ट. तो भाई छत्तीसगढ़ के लिए क्या हो गया, बिलासपुर हाई कोर्ट हो गया. उसके बाद लिखा हुआ है इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी टू विच द ज्यूरिसडिक्शन
ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ फॉर दैट हाई कोर्ट. अभी क्या कह रहा है, जब कभी भी कोई आपका जुरिसडिक्शन का मैटर आएगा किसी यूनियन टेरिटरी का लेके, तो स्टेट नहीं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस हाई कोर्ट को अलाइन किया होगा उस यूनियन टेरिटरी के मैटर्स को देखने के लिए, तो वो हाई कोर्ट मान लिया जाएगा. ये भी हमें पता है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इसका आता है कोलकाता हाई कोर्ट. यहां पे क्या है, इनके मामला देखे जाते हैं कोलकाता हाई कोर्ट में. आप में से जो लोग अंडमान गए होंगे उन्होंने वहां पे कोई हाई कोर्ट तो नहीं देखा होगा, उनके सारे मामला डील करता है कौन, कोलकाता हाई कोर्ट. ठीक है सर. उसी तरह जो है आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को कौन डील करता है, लक्षद्वीप को डील करता है सर बॉम्बे हाई कोर्ट. तो ये हमारे क्या हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गया. लक्षद्वीप तो अभी आपका विवादों में भी रहा है, ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि इसने लक्षद्वीप में एक प्राइम मिनिस्टर की विजिट ने मालदीव्स की जीडीपी को हिला दिया. खैर चलो वो तो अलग बातें हैं. अब उसके बाद लिखा हुआ है इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट. अब ये बात कर रहा है उन यूनियन टेरिटरीज की जहां पे कोई हाई कोर्ट अलाइन ना किया गया हो, तो उस केस में उस टेरिटरी का जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होगा वहां पे मान लिया जाएगा कि वो कौन सा है, वहां का हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट काम करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होना चाहिए. ये बात भी इसमें बोल दी, इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो एपेक्स बॉडी है, हर जगह पे उसका जुरिसडिक्शन है. सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के सबसे हाईएस्ट क्रिमिनल अपील जिस भी कोर्ट में उस यूनियन टेरिटरी में जा सकती है उसको मान लिया जाएगा उस जगह का हाई कोर्ट. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हमारे पास आ गया के इंक्वायरी. इंक्वायरी क्या कह रहा है, मींस इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन द ट्रायल कंडक्टेड अंडर द संहिता बाय अ मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट. अब आप लोग ध्यान रखिएगा, कई लोग बोलेंगे कि इंक्वायरी केवल पुलिस करती है, ऐसा नहीं है. पुलिस केवल प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, वो भी हमने केस में पढ़ा था जो आगे हम इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे. अभी आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि इंक्वायरी जो है वो है कोई भी ऐसी चीज जो कि ट्रायल नहीं है, यानी कि ट्रायल से चलने वाला पहला प्रोसेस जो इंक्वायरी है वो इसको माना जाएगा इंक्वायरी. इंक्वायरी के ठीक बाद क्या होता है, चार्जेस बनते हैं, और चार्जेस बनते ही शुरू हो जाता है क्या, ट्रायल. तो यहां पे भी यही कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश करी जा रही है कि इंक्वायरी का मतलब वो सारी इंक्वायरी है जो कि ट्रायल नहीं है, यानी मजिस्ट्रेट वो सारे काम जो कोर्ट में कर रहा है जो कि ट्रायल नहीं है, तो वो इंक्वायरी ही माना जाएगा इस संहिता के अंतर्गत. ठीक है सर. उसके बाद क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेशन. एल पॉइंट कह रहा है इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ. बड़ी मामूली सी बात कह रहा है, ये कह रहा है कि सर इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ वो होगा कि जब कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा पर्सन जो कि ऑथराइज्ड हो लॉ से, बस वो मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, यानी कि पुलिस ऑफिसर और कोई पर्सन मजिस्ट्रेट को छोड़ के हो सकता है, जब कभी भी वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए क्या कर रहा है, कोई प्रोसेस को कंप्लाई कर रहा है, तो हम उसको मान लेंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है. इसका मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है. ठीक है. एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, वेयर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ अ स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस विद दिस संहिता द प्रोविजंस ऑफ दिस स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल. अब ये कह रहा है किसी प्रकार का स्पेशल एक्ट, यानी कि किसी स्पेशल केस के लिए, स्पेशल कॉज के लिए, या स्पेशल स्पेसिफिक एरिया या लोगों के लिए कोई एक्ट बनाया गया हो और वो इस इन्वेस्टिगेशन के क्लॉज को क्या है, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, यानी कि उसमें कोई और प्रोविजन दिया हुआ इन्वेस्टिगेशन का, वो इनकंसिस्टेंट हो गया है इस प्रोविजन के, तो वो जो स्पेशल एक्ट का प्रोविजन है वो प्रिवेल करेगा सीआरपीसी के ऊपर, यानी कि नई सीआरपीसी के ऊपर स्पेशल एक्ट का जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन है वो प्रिवेल कर जाएगा. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास जुडिशियल प्रोसीडिंग. ये नीचे की फोटो सारी बात बयां कर देती है. आपको पता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे ही भीख मांगते हैं और लोग जो है डांटते रहते हैं, मतलब वकीलों का यही चलता रहता है कोर्ट में, है ना. तो हमें पता है जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, हम खुद वकील हैं तो हमें पता है जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, फिर भी कॉम्प्लीमेंट के लिए पढ़ने की कोशिश करते हैं. जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, यानी कि वो सारी की सारी प्रोसीडिंग जो कि कोर्ट में या न्यायालय में चल रही है जहां पे एविडेंस को ओथ पे लिया जा सकता हो उसको हम मान लेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग. एविडेंस मतलब क्या होता है सर, सबूत, उसको जो है हम ओथ पे लेते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है लोकल जुरिसडिक्शन. लोकल जुरिसडिक्शन का मतलब भी हमें पता है, इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट मींस द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स powers under this संहिता and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify. तो local jurisdiction का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, in relation to a court or magistrate, ये क्या, ये local jurisdiction किसके बारे में, किसी DM या SDM के बारे में नहीं है, ये local jurisdiction है किसी court या magistrate के बारे में. ये क्या बता रहा है, means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its power, यानी कि वो local area जहाँ पे court या magistrate जो है अपनी power को exercise करेगी. बिलासपुर का जो session court है वो केवल बिलासपुर
बिलासपुर में ऑपरेट करेगा, रायपुर में ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए क्या हो गया, रायपुर की अपनी सेशंस कोर्ट है। तो यहां पे जुरिसडिक्शन का मतलब है कि जिस एरिया तक उस कोर्ट का फैलाव है, जहां के मैटर्स वो डील करेगा, वो उसका एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन है। अब यहां पे एक बात और बोल दी गई है, क्योंकि हम तो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, कुछ एरिया कुछ स्टेट छोटे होते हैं, वहां दो दो डिस्ट्रिक्ट के एक कोर्ट बना दिए जाते हैं। तो वहां पर कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन से बात डिक्लेयर करेगी कि वो एक एरिया में, वो पूरे स्टेट में उनका जुरिसडिक्शन रहेगा, कि किसी स्पेसिफिक एरिया में रहेगा, कि किसी मल्टीपल दो डिस्ट्रिक्ट का मिला के एक एरिया में रहेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। तो जैसे यहां पे आपको दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ का मैप है, यहां पे क्या है, ऐसे डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहां हर जगह पे एक एक सेशंस कोर्ट है। ये सेशंस कोर्ट क्या करती है, उस एरिया के केसेस को लेती है। लेकिन ये सेशंस कोर्ट चाहे कि मैं इस एरिया का केस ले लूं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और अगर लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि हां आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। अब ये क्या कह रहा है, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर व्हिच एंड नॉन कॉग्नाइजेबल केस, यानी कि डेफिनेशन दोनों दी हुई है, नॉन कॉग्नाइजेबल केस और ऑफेंस दोनों के बारे में बात करी गई है। A case in which a police officer has no authority to arrest without a warrant. ये क्या कह रहा है कि non-cognizable case का मतलब ये होगा सर, जहाँ पे एक police officer जो है किसी को बिना warrant के arrest नहीं कर सकता है, बस इतना ही मतलब है यहाँ पे। हमने non जो हमने cognizable case का definition देखा था, cognizable case plus cognizable offence, उसमें हमने पढ़ा था कि police officer warrant के बिना arrest कर सकता है, यहाँ पे कह रहा है बिना warrant के arrest नहीं कर सकता है, opposite है। उसके बाद आता है हमारे पास P में notification। Notification means a notification published in the official gazette। अब सर ये official gazette किस बला का नाम है, तो ये आपको दिखेगा भारत राजपत्र, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। ये क्या कहता है, एक तरह से आप इसको इस तरह से समझिए कि ऑफिशियल गजेट का मतलब होता है कि सरकार का अखबार, यानी कि सरकार अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है जब उसमें रिलीज करती है, तो मान लिया जाता है कि अब वो सबको पता चल चुकी है, क्योंकि सरकार का वो अखबार है, एक तरह से उसी में सारी चीजें पब्लिश करी जाती है, जितने भी नए एक्ट आते हैं वो गजेट पे आते हैं, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास आता है क्यू में ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या है, ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट। ये पता नहीं क्यों इसमें ऐड करके रखा हुआ है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऑफेंस का मतलब क्या है, ऑफेंस का मतलब है कोई भी एक्ट या ओमिशन, यानी कि कुछ भी करना या ना करना, मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा काम आपने किया या कोई भी ऐसा काम जो आपने नहीं किया, जिस उस पर्टिकुलर एक्ट को जब किसी एक्ट के अंतर्गत जो इस वक्त लागू हो अपराध माना गया है, तो उसको इस संहिता के अंतर्गत भी अपराध यानी कि ऑफेंस माना जाएगा। और साथ ही साथ यहां से डेफिनेशन को डिवाइड करके उन्होंने क्या बोल दिया, एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, यानी कि कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 के अंतर्गत किसी भी एक्ट आपने कोई किया हो जिसके अंतर्गत कंप्लेंट करी गई हो सेक्शन 20 में, तो उसको भी इस संहिता के अंतर्गत एक ऑफेंस मान लिया जाएगा। ऑफेंस क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, नीचे की फोटो देख के आप लोग को बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है आर में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ये बात आप सिंघम बाबा को देख के समझ सकते हैं कि भाई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स व्हेन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हु इज नेक्स्ट इन द रैंक ऑफ सच ऑफिसर एंड इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल और व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो पर्सन। तो पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या होगा कि कोई एक पुलिस ऑफिसर है वहां पे, स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको भी इंचार्ज बनाया है वो पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन माना जाएगा। ये तो वही आम जिंदगी, मिनट ऑफ जिंदगी क्या है, मिनट ऑफ जिंदगी यहीं से शुरू हो गई। ये कह रहा है कि जब कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन, यानी कि जब सिंघम जी जो है अपने पुलिस स्टेशन में एब्सेंट थे, उनको बीमारी हो गई कोई या उनको कोई दिक्कत हो गई या किसी मिशन पे गए हुए हैं, तो पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन तो उस वक्त भी मौजूद होना चाहिए। तो वो कौन पर्सन हो सकता है, वो पर्सन होगा, मान लिया जाएगा कि वही पर्सन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है जो उस जो ओरिजिनल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन था उससे रैंक में जस्ट नीचे है, यानी कि सीनियोरिटी में जस्ट नीचे आता है, लेकिन वो पर्सन कांस्टेबल की रैंक के ऊपर का होना चाहिए। यानी कि अगर जस्ट नीचे आने वाला बंदा कांस्टेबल के नीचे का आदमी है तो उसको नहीं माना जाएगा कि वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, ये पहली कंडीशन। और दूसरा, जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कर दिया हो कि तुम एक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और इसके ऊपर इन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ये डायरेक्ट कर सकती है कि कोई कांस्टेबल रैंक से नीचे का भी आदमी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन माना जा सकता है। लेकिन जब कभी भी ओरिजिनल ऑफिसर ना हो तो उसके जस्ट नीचे के रैंक का आदमी जो कि कांस्टेबल की रैंक के ऊपर होना चाहिए उसको मान लिया जाएगा कि वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है। इसमें एक बात आपको और क्या ध्यान रखनी है, सबसे कॉमनली यूज होने वाले डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा आमतौर पर इसको पाया जाता है कहां पे,
सीआरपीसी के अंदर में। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एस में प्लेस। प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस बिल्डिंग टेंट व्हीकल वेसल। भाई प्लेस का मतलब है कि किसी भी बिल्डिंग टेंट हाउस वेसल को हम मान लेंगे कि वो जगह है। पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या है? मींस अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193। नई डेफिनेशन पता चल गई और नया आपको पता चल गया क्या? सेक्शन नंबर। सेक्शन नंबर 193 के अंदर जब कभी भी कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट भेजती है उसको हम क्या बोलते हैं? पुलिस रिपोर्ट। उसके बाद आता है पुलिस स्टेशन मींस एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट government to be a police station and includes any local area specified by the state government in this behalf. ये क्या कह रहा है कि कोई भी post या place जिसको generally या specially यानी कि general order या special order से state government ने क्या बोल रखा है कि ये क्या होगा? Police station होगा, उसको मान लिया जाएगा कि वो police station है. To be police station and includes any local area specially by the state government in this behalf या किसी local area में उसका जो jurisdiction होता है उसके बारे में आगे की चर्चा करी गई है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18। पहले कहां पे था? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन 25A में। अभी यहां पे कहां आ गया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहा है? सेक्शन 18 के अंतर्गत जिस जिस पर्सन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। उसके साथ ही साथ कोई पर्सन अगर एक्ट कर रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के काम को तो उसको भी मान लिया जाएगा कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर वो पर्सन जो है उस डायरेक्शन पे काम कर रहा है। यानी कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्वयं पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और इसने जो है राम को बोला कि तुम मेरे डायरेक्शन पे काम करो तो इस संहिता के अंतर्गत राम को भी मान लिया जाएगा कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही है। उसके बाद आता है सब डिवीजन। सब डिवीजन मींस अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि आपको पता है अगर आप बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो उसके अपने अलग अलग जो है सब डिवीजन है। जैसे कोनी एक सब डिवीजन हो गया जहां पे SDM होते हैं ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर के और डिविजन, एक डिविजन के अंदर के और डिविजन को माना जाता है सब डिविजन। उसके बाद आता है समन्स केस। समन्स केस मींस रिलेटेड टू ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। अब यहां पे एकदम मजाक सी बात कर दी कि भाई समन केस वो केस है जो कि क्या है, उन offenses को deal करता है या उन matter को deal करता है जो कि warrant case नहीं है। यानी कि summon case वो case है जो कि warrant case नहीं है। इसको हम आगे deal करेंगे summon trial, sessions trial, summary trial इन सब में। उसके बाद आता है Y में victim। victim means a person who has suffered any loss or injury caused by a reason the act or omission of the accused person includes a guardian or legal hire of such victim। ये क्या कह रहा है? victim means a person who has suffered any loss or injury। यानी कि victim वो person है जिसको किसी प्रकार का loss या injury हुआ है caused by a reason of the act or omission। यानी कि वो किसी act या omission यानी कि किसी अपराध की वजह से हुआ है, वो कुछ करने से या ना करने से हुआ है, of the accused person and includes the guardian and legal hire of such victim। अब ये क्या कह रहा है कि वो उस person के legal hire को और guardian को भी include करेगा as a victim। इसका मतलब क्या है? मेरा अगर मान के चलिए कि किसी एक person का murder हो गया तो उस person को भी victim माना जाएगा जो उसके परिवार वाले थे जिनका actual में नुकसान हुआ है। यानी कि victim केवल वो person नहीं जिसके against अपराध हुआ है, victim वो लोग भी माने जाएंगे जिनके family वाले या जो आपसे जो आपके guardian थे, आपके legal hire थे, उनको भी victim की definition के अंदर में लिया जाएगा। वारंट केस का मतलब क्या है? वारंट केस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 इयर्स। यानी कि समन्स केस पे बोला था वो सारे केसेस जो वारंट केसेस नहीं है, इसका मतलब 2 साल से कम वाले हो गए, क्योंकि यहां पे बोल दिया वारंट केसेस का मतलब कि जिसकी सजा कितनी बनती है, डेथ बनती है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ बनती है या 2 साल से अधिक की जिसको भी सजा मिलेगी उसको मान लिया जाएगा कि वो वारंट केस है। ठीक है सर, बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया है यहां पे Z पे खत्म होके हमारे पास आ गया है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हेयरिन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड द भारतीय न्याय संहिता 2023 शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट एक्ट एंड संहिता। ये केवल इतनी सी बात कह रहा है कि कोई ऐसे शब्द जो कि जिसका डेफिनेशन यहां पे नहीं दिया हुआ है लेकिन आईटी एक्ट में दिया हुआ है, तो आईटी एक्ट में जो डेफिनेशन दिया गया है वही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी उसका मतलब मान लिया जाएगा। सो ये था हमारा डेफिनेशन क्लॉज। आई होप आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडीइंग हार्ड एंड कीप स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के करियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।